मैं हूँ टिया, ग्रैंड मास्टर हीलर, क्रिस्टल हीलर, ट्विन फ्लेम कोच, टैरो रीडर, पीलर थेरापिस्ट एंड क्रिया कुंडलिनी मास्टर। वेलकम टू माय चैनल टिया टैरो कंसल्टेशन। आज लेके आई हूँ और एक करंट फीलिंग की वीडियो। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहा है, क्या है उनके दिल और दिल की राज, अभी इमीडिएटली वो ओपन अप नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, या टोटली ऑफ सिचुएशन में है, या आके बहुत कुछ दुख भरी बातें तो सुना रहा है मगर कमिटमेंट देने के टाइम में तब थर्ड पार्टी को चॉइस कर रहा है। जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी ऑलवेज ऐसा नहीं होता, इनकी वाइफ है, इनकी हस्बैंड है, इनकी गर्लफ्रेंड है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, सो वो कोई भी चीज हम हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। सो वॉट एवर, जो भी सिचुएशन है, अगर ये रीडिंग है, अगर आप लोग एक दूसरे से रिलेशनशिप में हो, अगर आप दोनों में अलग अलग मैरिड रिलेशनशिप मैरिज में है मगर एक्स्ट्रा मैरिटल है, ये एक ऐसा है कि एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, ऐसा है कि नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ऐसा है क्रश है एक दूसरे की, या आप अकेले तरीका से उनके लिए सोच रहे हो, या ऐसा है सेम सेक्स जर्नी में है, ऐसा है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, अपना आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, ऐसा कोई सिचुएशन जहाँ पे फैमिली एंड ऑल, या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है आपको ब्लॉक कर रहा है, ऐसा है कि कुछ भी नहीं है, आप सुन रहे हो बट एनी हाउ वॉट एवर, नॉर्मली कुछ भी नहीं है, कोई टैरो नहीं देखते, कोई प्रॉब्लम है, डिससेटिस्फेक्शन है, तभी होता है। प्रैक्टिकली आपको टैरो कोर्स गए, सबसे बड़ी बात टैरो कोर्स जो बेसिक वर्कशॉप गए हैं, हम बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन किए थे, बहुत हम लोग एकदम एंजॉय करके एक दो दिन का वर्कशॉप किए। हाँ, मैंने 2 आवर्स 2 आवर्स बोली थी, वो नहीं हुआ, पहले दिन ही मोर देन 3 आवर्स एंड नेक्स्ट डे नियर अबाउट 4 आवर्स लग गया है, वो तो लगेगा डिटेल में करने के लिए, बट हम लोग बहुत अच्छा से एकदम बहुत एंजॉय किए, बहुत अच्छा से सीखे एंड ठीक है, अब सीखे भी है, मैं भी सीखती हूँ, ऑलवेज सीख रही हूँ, कोई ना कोई क्वेश्चन कर रहा है उसको क्लैरिफिकेशन कर रही हूँ, तो एवरी मोमेंट आवर लर्निंग मोमेंट, ठीक है ना। इसके बाद एडवांस आने वाला है जनवरी में, जो ऑलरेडी टैरो की बेसिक क्रॉस कर चुके हैं उन लोगों के लिए तो वेलकम है ही, और जो लोग अगर एडवांस मैंने अटेंड करना चाहते हैं उन लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए टैरो कार्ड का, ठीक है, अदरवाइज उन लोगों को थोड़ा सा रिकॉर्डिंग लेके सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही एडवांस में जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत एंगल से टैरो को सिखा चुकी हूँ, अभी बेसिक में हम बहुत सारा चीज सीखेंगे, कैसे टाइम को बताया जाए, कैसे ऑपोजिट पर्सन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या सिचुएशन में है, वो जो बोल रहे वो सच है कि नहीं, कैसे उसको सॉल्यूशन करें, कौन सा दिशा से हम काम करें, अगर रिमेडी भी करें, ऐसा बहुत सारा चीज एडवांस में आने वाले है, जनवरी में होने वाला है, ठीक है। सो जो भी होगा, जो क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है जिसमें आपकी पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ठीक है, ये आज का सब्जेक्ट है। साथ ही साथ सर्विसेज के बारे में बोल देती हूँ, अगर आपको टैरो का पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर ट्विन फ्लेम हीलिंग, ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए फॉर योर हार्मोनियस ट्विन फ्लेम रियूनियन, अगर आपको इनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए जो प्रॉपरली आपकी एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, एज पर योर प्रॉब्लम, एज पर योर एनर्जी, आपके लिए ही वो इनर्जाइज करके प्योर क्रिस्टल दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल पीएलआर करवाना है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है, अगर आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम, आपको हेल्थ प्रॉब्लम, आपका एजुकेशनल कोई चीज में ब्लॉक आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, कोई भी चीज में आपको बार बार ब्लॉक आ रहा है, घर में बार बार अशांति, जो भी है ब्लॉक एनर्जी, हेल्थ, करियर, लव लाइफ, एनी वॉट एवर ऑफ आपका प्रोफेशनल लाइफ, कोई भी चीज में ब्लॉक आ रहा है जिसपे आप ट्राई करके भी आपको प्रॉपरली रास्ता नहीं मिल रहा है, ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये सब ब्लॉक को क्लियर करने के लिए अगर डिस्टेंस रेकी हीलिंग बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अगर आप डिस्टेंस रेकी हीलिंग के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, मतलब इतना सारा जो भी मैं सर्विसेज बोली हूँ इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9087282880, अगेन मैं बोल रही हूँ 9087282880, ये नंबर पे व्हाट्सएप में पिंग कीजिए,
कॉल मत कीजिए, सेशन में रहती हूँ, बहुत बिजी हूँ मैं, एक काम नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में ही बोलती हूँ मैं क्या क्या बहुत सारा डायमेंशन में काम करती हूँ। ऐसा लोग सिर्फ टेरर रीडिंग करने ही आ रहा है, ये लोग बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस से वो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए आते हैं, उसमें अगर 10 बार कॉल आए ना प्रॉब्लम होता है, शायद आपका सेशन चल रहा है और इसमें कोई 10 बार कॉल करे, है ना। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, सोसाइटी को सपोर्ट कीजिए, खुद को भी एक अच्छा प्लेस में लेके आइए, मेंटली कि हम व्हाट्सअप ही करेंगे, और मैं ऐसा कभी नहीं होता व्हाट्सअप में आंसर नहीं करती, ठीक है, जब भी फ्री हो जाऊंगी बिल्कुल आंसर करूंगी, ऑलवेज सपोर्ट करेंगी, और बुकिंग जो प्रोसेस है वेरी नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ डेंजरस प्रोसेस नहीं है, ठीक है, वेरी नॉर्मल, नॉर्मल इंसान कर सकता है, सब कर सकता है। तो आप उस तरीका से आप जो सर्विसेज है उसमें जाएंगे, एडवांस वर्कशॉप के लिए फिर बोलना, ऑलरेडी बुकिंग स्टार्ट हो चुके हैं, मगर फिर भी हम लोग ऑफिशियली ये करेंगे उसको जो इंटीमेट करना यूट्यूब में एंड ऑल वो करेंगे, ठीक है। 2 मंथ का वर्कशॉप होगा, ये जो होगा वीकली 2x क्लास होगा, 2 मंथ का वर्कशॉप होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो रीडिंग से पहले दो बातें, रीडिंग से पहले दो बातें मैं एक चीज मैं बताऊंगी, देखना एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत लोग ना वो मेरा जिंदगी खराब कर दिया, वो मेरा जिंदगी खराब कर दिया, मेरे साथ इतना खराब कर दिया, मेरे साथ इतना खराब हो गया, ये वाला चीज तो हमें बिल्कुल, इंसान फ्रस्ट्रेटेड होंगे भी, सब एकदम स्पिरिचुअली अवेयर होके तो नहीं आते हैं, धीरे धीरे ही होते हैं, तो मेरा उनका तकलीफ होना ये होना इंसान ही तो है, क्यों नहीं होगा, हाँ, तो उसमें आपका बहुत दोष है, मैं बहुत लो फ्रिक्वेंसी की हूँ, ये सब नाटक बजी बात एकदम, ये सब दिमाग में मत लेके आइए, धीरे धीरे आपका अच्छा होगा तो आपका ही दिमाग अच्छा होगा, दूसरे का कुछ नहीं। ये बोल रही ये तो बहुत लो एनर्जी की है, मैं तो हाई एनर्जी की हूँ, जो हाई एनर्जी का होगा वो दूसरे को लो एनर्जी बोलेगा ही लेके, हाँ वो तकलीफ में है, उससे हाथ पकड़ के लेके आना, तो ये सब मेरे पास तो मैं अवेकन हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, वो अभी बाकी है, तुम इतना अवेकन हो चुके हो फिर दूसरे को क्यों बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो ये सब फालतू ये सब छोड़िए, बट एक चीज ऑलवेज देखना, खुद के रियलाइजेशन ऐसा आ जाएगा ना एक स्टेज के बाद, ये सब नंबर देखना, कुछ अजब अजब गजब गजब एक्सपीरियंस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस होते हैं वो, फैंटास्टिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की अंदर आप फैंटास्टिक जो फीलिंग है उसको ले पाएंगे वो अलग बात है, समझ में। तो एनी हाउ जो मैं बोल रही थी कि इंसान को ये जो बोलना पड़ता है ना कि ये मैं ये खराब कर दिया मेरी जिंदगी, वो खराब कर दिया मेरी जिंदगी, याद रखना हम लोग जैसे लोहे की तरह होता है, आयन की तरह होते हैं, मालूम है एक्चुअली हम लोगों को पर्सनालिटी जो है ना आयन की तरह है, लोहे की तरह है। देखना खाने में अगर हम लोग बनाना से रिलेटेड चीज जो होता है ना, जो ग्रीन कलर बनाना होता है, ग्रीन बनाना, राइट, जो वेजिटेबल के रूप में हम लोग खाते हैं, जो केला का जो स्टेम होते हैं, जो केला का फ्लावर होते हैं, मैं एग्जांपल देके बोल रही हूँ, ये आयरन बहुत सारा चीज में है, मैं एग्जांपल देके बोल रही हूँ, तो ये जो चीज है ये सब चीज में आप कितना भी हाई टेम्परेचर में खाना बनाइए, कितना भी आप कुछ भी उसमें मसाला डालिए, कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो जो आयरन या ब्लैक जामुन जो होता है ना, काला जामुन, उसमें आप कितना भी करोगे उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, बहुत झाल दे दिया, ये कर दिया, मगर उसका जो आयरन है वो कभी नहीं जाता, उसका जो लोहा का गुण है, आपका अगर ब्लड में थोड़ा आरबीसी कम है, डेफिशियंसी है, वो चीज कभी खराब नहीं हो जाता, लोहा खराब नहीं हो जाता, लोहा वैसे कोई चीज लोहा खराब नहीं कर सकते, लोहा का खराब कौन कर सकते मालूम है, लोहा खुद, वो धूप में कभी लोहे में रास्ते नहीं पड़ते, वो बाहर का जो मॉइस्चर होता है उससे ऑक्सीजन लेके जो रिएक्शन करके है ना, वो फेरस जो भी हो कौन सा रूप में है, फेरम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड जो भी है, वो जो फेरिक ऑक्साइड एंड फेरम तो आयरन को बोला जाता है, हाँ फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड जो भी बनाते हैं, वो रास्ट जो लोहे को खराब कर देते हैं, ठीक है, वो लोहे को खराब कर देता है, तो लोहा खुद ही खुद को खराब करते हैं, ऐसा नहीं है बाहर का टेम्परेचर, बाहर का मसालेदार चीज, बाहर का ये, बाहर का वो लोहा को खराब कर सकते, नहीं आयरन को नहीं खराब कर सकते, आयरन को खराब कर सकते खुद आयरन, वो बाहर में रिएक्शन करके वो रास्ट, हमें स्टेनलेस स्टील बनना है, कलम पीन इस्पात,
वो बनना है, उसमें रास्ट नहीं पड़ता, ठीक है। जब उस जगह में आप खुद को स्टेनलेस स्टील बना लोगे, स्टेनलेस स्टील समझ में, वो जगह में आप आ जाएंगे, तब देखना आपके ऊपर रास्ट नहीं पड़ रहा, आपकी ऑरा खराब नहीं हो रहा, ये एनर्जी में आइए। याद रखना कोई आपका एनर्जी खराब नहीं कर सकते, किसी का हिम्मत ही नहीं है, वो एनर्जी में आइए। ओपन मत रखिए अपना ऑरा को जहां पे रास्ट पड़ सकते हैं, समझ में। तो ऐसा है आज रीडिंग से पहले दो बातें मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, 10 मिनट 10.5 मिनट तो मैं ये सब भी बात किया, ठीक है। चलिए देखते हैं रीडिंग से पहले दो बातें की बात, आज की रीडिंग आपकी पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लगाइए हेडफोन, सुनिए ये मीठा वाइब्रेशन जो आपको प्यूरिफाई कर देगा। पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, इमीडिएटली क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, आप ही इसी वक्त देखते हैं ओवरऑल एनर्जी, देखेंगे आउटकम भी क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन, हर चीज को क्लैरिफाई करेंगे कार्ड से। पहले देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए अब इसी वक्त। टू ऑफ वांड्स फर्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एट ऑफ वांड्स, एम्परर, ये मैंने क्यों किया फिर क्वेश्चन आएगा ये ऐसा इसीलिए। जस्टिस, हेरोफेंट, अच्छा, फोर ऑफ सॉर्ड्स, यहां पे तीन कार्ड आया है उसको भी लेती हूं, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और एक कार्ड ले लेती हूं, फाइव ऑफ वांड्स, अच्छा ये सब पेंटिकल्स। चलिए टू ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा आप हो सकते हो फायर साइन, हो सकते हो आर्ट साइन, हो सकते हो एयर साइन, हो सकते हो वाटर साइन, कोई भी साइन की आप और आपकी पर्सन हो सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, आप जिनके बारे में सोच रहे हो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी एंड आपके अंदर एक कंपेयर करना, आपके अंदर जो गिविंग मेंटालिटी है उसको समझना, एक रियलाइजेशन दिख रहा है इनका अहम, इनका जिद्दी, हर चीज का एक डिस्ट्रैक्शन डेथ हुआ है। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्गली फील होता है अपना अहम, अपना ईगो, अपना फियर, बहुत सारा चीज का यहाँ पे एक डेथ दिख रहा है। आपका इतना ज्यादा एक गिवर मेंटालिटी इनके अंदर एक एक्सट्रीम चेंज लेके आए हैं।
जहां पे डेथ होता है वहां पे रिबार्थ होते हैं, ये चीज को कभी मत भूलिए, जहां पे डेथ वहां पे रिबार्थ। रिबार्थ के बाद जो सिचुएशन आ रहा है वो एक गोल तक पहुंचना चाहते हैं आपके साथ, वो एक गोल तक पहुंचना चाहते हैं आपके साथ। एंड अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड ऑल में कंपेयर कर रहा है, वहां पे आपको ही एक चॉइस करने वाला एनर्जी मुझे टोटली स्ट्रॉन्गली दिख रहा है। आपकी संयम, आपकी वेट, आपका गिविंग नेचर एक्चुअली इनके अंदर में हर चीज को इग्नोर करना जो भी है सब चीज को जैसे मार दे रहे दे, मतलब मार दिया है और दे रहा है। कि एक इंसान इतना गिवर कैसे हो सकता है, एक इंसान इतना ज्यादा वेट कैसे कर सकते हैं, ये वाला एनर्जी इनके लिए काफी एक चेंजेस एनर्जी मुझे दिख रहा है जिसमें ये गोल तक पहुंचना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पे अगर आपके ट्विन या सॉरी ट्विन हो, अगर आपका जो भी पर्सन हो, जो भी है, नॉट ट्विन है, जो भी है आपका जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर ये मैरिड है, मैं हर पॉसिबिलिटीज बोल रही हूँ, अगर ये मैरिड है और उनकी बच्चा है, तो यहाँ पे बहुत क्लियर कार्ड आया है द एम्परर, एक साइड में मैरिज, मिडिल में जस्टिस। कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशनल इंसान है, जो भी है ये थोड़ा ट्रेडिशनल इंसान है, ट्रेडिशन को बचा के रखना जानता है, मगर दिल तो बच्चा है, दिल वहां पे ट्रेडिशन माना नहीं। बट एनी हाउ इस जगह से ये एक्चुअली डिवोर्स नहीं कर पा रहा है क्योंकि इनको लग रहा है एज अ फादर मैं कैसे एक जगह से निकल जाऊं, एज अ फादर कैसे एक जगह से निकल जाऊं, समझ में आया। एक मैरिज रिश्ते को तोड़ना इनके लिए बहुत तकलीफ वाला बात है। डोंट थिंक उन ऑपोजिट की पर्सन के ऊपर प्यार, सोसाइटी की फियर और दिमाग पे ट्रेडिशनल सोच, मेन फादर एज अ फादर या एज अ मदर चीज को संभालना, ये वाला चीज है। हो सकता है आप लोगों में बहुत लोगों का एक नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, अदरवाइज बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब मन से होता है ना, बहुत थक चुके हैं, ये वाला एनर्जी दोनों के अंदर ही दिख रहा है। देखिए थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है जहां पे वो एक्चुअली फंसा है वहां पे बहुत फाइट, मगर उनका ट्रेडिशनल मेंटालिटी रिलीजियन प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकते हैं ये दोनों रिलीजियन प्रॉब्लम है आप दोनों में, या सिचुएशनल प्रॉब्लम है, एज गैप है, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है जहां पे इनके मन में काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। आपको भी मगर होता है ना कि टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई, वो वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का। वो एकदम आपकी सबर, आपका प्यार इनको तोड़ दिया है, मतलब वो उनका घमंड, उनका नहीं ये वो नहीं हो रहा है। इनका टू ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है, अभी भी कंफ्यूज्ड एनर्जी, बहुत सारा अपने ने मारा धोखा, ये जगह में एनर्जी है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, समझ में आया। एकदम टूटा हुआ एनर्जी दिख रहा है आपकी पर्सन का। आपके साथ देखिए क्या चाहते हैं, जब क्वेश्चन के टू ऑफ कप्स, ये रियूनियन चाहते हैं, थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन चाहते हैं, चाहते तो बहुत है मगर अभी भी आगे आके भी कहीं ना कहीं इनका स्ट्रेंथ का दरकार होता है, वो स्ट्रेंथ आपसे ही मिलता है। डरा हुआ तो अभी भी है, डरपोक राजकुमार डरा हुआ है, फिर भी वो उनका हर स्ट्रेंथ जैसे आपसे मिल जाते हैं। दुनिया में काफी खराब टाइम ये देख चुका है, ऐसा नहीं देख चुका है, देख चुकी है, अभी आपके लिए काफी फोकस्ड एनर्जी दिख रहा है। ये पर्सन ना डिसऑनेस्ट नहीं है, ये पर्सन डिसऑनेस्ट इमीडिएटली आपके लिए जो एनर्जी पिकअप हुआ है, क्वेश्चन क्या है कार्ड से, अभी दुनिया भर में डिसऑनेस्ट नहीं है कोई चीज में, ऐसा नहीं है। ऑलवेज जानना कार्ड से मैं क्या क्वेश्चन कर रही हूँ उसका आंसर है ये। आपके लिए इमीडिएट एनर्जी में इनके अंदर डिसऑनेस्टी नहीं है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये काफी दर्द देख चुके हैं, अभी आपके लिए काफी फोकस्ड एनर्जी दिख रहा है इनका, फोकस्ड है वो आपके लिए, कुछ करने के लिए तैयार है, ऑफर करना चाहते हैं ये सब पेंटिकल्स, मगर ये भी जो भी जगह में हम बंधे हुए हैं, वो जो भी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, उस जगह में कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसा है। अगर ये मैरिड नहीं है मगर घर से मैरिज की बात हो रहा है, नॉल उस जगह में इनकी फादर फिगर कोई पर्सन या इनका रिलीजियन, इनका कास्ट, हर चीज में लेके वो ये जो बॉन्डिंग है इससे नहीं निकाल पा रहे, समझ में आया, ये बॉन्डिंग से निकाल नहीं पा रहा, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। घर से काफी कंट्रोलिंग एनर्जी, अगर इनकी बीबी है, इनकी माँ है, वट एवर, काफी कंट्रोलिंग एनर्जी दिख रहा है जो कंट्रोल करते हैं, मगर हर दर्द के बीच में आप इनके लिए दवाई हो, हीलिंग हो,
ये वाला एनर्जी है, उनको स्ट्रेंथ भी चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। अगर आप खुद हीलिंग जानते हो हीलिंग कीजिए, नहीं तो कोई एक्सपर्ट से क्या है। हीलिंग बहुत जरूरी है इस मोमेंट पे, क्योंकि इनके मन में काफी अप्स एंड डाउन एनर्जी है, ऑफर करना चाहते हैं, सब समझ रहे हैं, और आपकी प्यार इनको एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की जगह में खड़े कर दिया है। इट्स ट्रू, समझ में आया। हम डेथ कार्ड भी देखते हैं तो यहाँ पे देखना, आज जो स्केलेटन टाइप का जो भी है वो ब्लैक एंड बट घोड़ा जो है वो व्हाइट है। ऑलवेज याद रखना, यहाँ पे कोई कुछ लोग मरे पड़े हैं, कुछ लोग ऐसा प्रे कर रहे हैं, जो सरेंडर कर दिया वो एक्चुअली फिर रिबर्थ हुआ इन लोगों का। इसको बहुत सारा क्लैरिफिकेशन है, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए दे रही हूँ। तो ये वाला एनर्जी की बात ही आया है एट ऑफ पेन वांड्स। ऑलवेज जानना पास पास का कार्ड, कार्ड का मीनिंग को बहुत एक तरीका से चेंज करते हैं, समझ में। यहाँ पे किए क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या उनका बलि हुआ है, क्या रिबर्थ हो रहा है, वो फिर से कम्युनिकेशन एक गोल तक पहुंचना ये चाहते हैं, समझ में। ये ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, दर्द है, दर्द भी है, मन में दर्द है, ऑफर करना स्ट्रांगली चाहते हैं। वहां पे कोई पीछे हटने वाला एनर्जी नहीं है। हाँ, सिचुएशन और प्रॉब्लम है, बट है दिल से, एकदम दिल से अगर आप बोलोगे रियूनियन, एक्चुअली दिल से रियूनियन हुआ है, कुछ दिनों में हुआ है ये, दिल से रियूनियन हुआ है। वो एक्शन वाइज कब करेंगे ये हम कार्ड से देखते हैं, ठीक है। देखते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन। हाँ, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, जो भी मैं सिचुएशन कार्ड दिखा रहा है इसमें नेक्स्ट एक्शन क्या हो रहा है, होने वाला है। प्लीज डिवाइन, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। वॉकिंग अवे द टेंपल पाथ, द वर्ल्ड। हम थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं ये कार्ड में, क्योंकि काफी एक ट्रांसफॉर्मेशन। बाबा वॉकिंग अवे में किंग ऑफ कप्स आया है, मतलब वो एक जो बॉन्ड था जो वहां पे बांधा हुए थे। हाँ, फोटो भी देखेंगे ना, गेट खोल के जैसे बाहर निकल रहा है, वही वाला एनर्जी। एकदम प्यार का गिफ्ट लेके आपकी तरफ, राजा कैसे प्यार का गिफ्ट देता है ना, कुछ सोचते नहीं है, वो दिल से देना, वो वाला एनर्जी में एक्चुअली वॉकिंग अवे की क्लैरिफाई कर रहा है कार्ड किंग ऑफ कप्स से। द टेम्पल पथ, अच्छा नंबर 27, सो 27 नंबर इंपॉर्टेंट हो, डेट हो सकते हैं, डे हो सकते हैं, मिनट हो सकते हैं, घंटा हो सकते हैं, साथ ही साथ 7+2 9, 9 ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सेम डेट हो सकते हैं, मिनट हो सकते हैं, घंटा हो सकते हैं, डे हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, समझ में। इसमें आप यू कैन एक्सपेक्ट ये जो रिएक्शन किंग ऑफ कप्स वाला, यू कैन एक्सपेक्ट। नंबर 12 टेम्पल पथ, तो 12 डेट हो सकते हैं आपका, एंड 3, 12 एंड 3, 1+2, 3 डेट हो सकते हैं, वीक, मिनट, डे, कुछ भी हो सकता है, घंटा कुछ भी हो सकता है। टेम्पल पथ का हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कार्ड से, क्यों टेम्पल पथ नेक्स्ट एक्शन में आए हैं। टू ऑफ वांड्स, इनके अंदर एक डिवाइनली चेतना जागृत हुआ है, जो इनको इंसिस्ट कर रहा है कि एक्चुअल इनकी जो डिजायर है वो, एक्चुअल जो डेस्टिनी है वो क्या है, वो आप हो। ये इस कारण के लिए ये दोनों में एक को चॉइस करने वाला, कहीं ना कहीं ये जो इनकी अवेयरनेस ही आपकी तरफ लेके आ रहा है, ठीक है। नंबर 29, 9+2 11, 1+1 2, so 29, 11, 2 सब इंपॉर्टेंट नंबर, डेट हो सकते हैं, मिनट, आवर्स, डे, वीक्स, कुछ भी हो सकते हैं। ये जगह में द वर्ल्ड एक नया चेंज, एक न्यू बिगिनिंग कैसे क्लैरिफाई कर रहा है टैरो कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड को। प्लीज डिवाइन हेल्प करें। किंग ऑफ सॉर्ड्स, दिमाग से जो भी होगा न्यू बिगिनिंग, और दिमाग से कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के आपकी तरफ आने वाले हैं न्यू बिगिनिंग। नाइट ऑफ कप्स, यस, जो प्यार का इजहार करने के लिए आएंगे, सोच समझ के सिचुएशन को समझ के, तभी आने वाले, बिल्कुल आने वाले, बिल्कुल आने वाले। बहुत लोगों का कम्युनिकेशन बहुत लॉन्ग डे नहीं है, आपको लग रहा है नहीं होने वाला, नहीं भाई, ये एनर्जी जो है, आप लोग अगर प्रॉपरली इनर वर्क कीजिए, बैलेंस रहिए, ये बहुत लोगों का कम्युनिकेशन होगा इस टाइम में, ठीक है। देखते हैं बाबा की संदेश आपके लिए क्या है, बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको, बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको, बाबा क्या बोल रहे हैं। देवी का एकरूपता,
परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने का कई अलग अलग रास्ते है, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। अगर आपको रिलीजियन एंड ऑल कोई भी चीज में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये कोई वैल्यू नहीं है, अल्टीमेटली वी ऑल वन। ठीक है, मौन, साइलेंस, मौन की भाषा सीखिए, हजारों शब्दों से ही ज्यादा ये कारीगर है, जो आपने भी कहीं ना कहीं किए है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली किए है। चुप रहिए, जहां पे प्रॉब्लम बाबा बोल रहा है, ऐसा सिचुएशन अगर बाबा बोल रहा है मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है या हुआ है, चुप रहिए। कोई जगह आपको प्रिटेंड करने का दरकार नहीं है, मैं अच्छी थी, मैं अच्छा था, ये कुछ नहीं, चुप, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, चुप, शांत रहना, मौन रहना। मतलब ये नहीं है कि सामने मौन रहेंगे और मन में देखते रहते रहते तो कर्मा तुझे भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं। सच में दिल से भी मौन, दिमाग से भी मौन, एक्शन से भी मौन, ये एनर्जी में रहिए। देखिए एक्सट्रीम गुड चेंज खुद के अंदर पहले फील करेंगे एंड बाहर से फील करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में दिल खोल के कीजिए कमेंट, जब भी हीलिंग में बैठती हूँ रेकी मदर से, डिवाइन से, सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जो विश है वो फुलफिल हो जाए। और सच में आप लोग दिल से मुझे थैंक यू करते हो, बहुत प्यार भेजते हो ये काम होने के बाद, मैं सच में ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट होता है कि आप लोगों का जब ये विश फुलफिल हो जाता है, कोई मतलब गरीबों को कुछ खाना दीजिए, कोई आप क्लॉथ देना है दीजिए, एनिमल्स को दीजिए, बर्ड्स को दीजिए, कुछ कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए नेचर के साथ। ठीक है, एक पौधा ही आप जमीन पे बो दो ना, उसमें भी तो कुछ ना कुछ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ कीजिए। ठीक है, मुझे थैंक यू बोल रहे हो बहुत, मैं खुश हो रही हूँ कि मुझे समझ में आता है कि वो काम हो चुका है, वाह अच्छी बात, समझ में। तो दिल खोल के कीजिए कमेंट, साथ ही साथ कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। शेयर जितना करेंगे उतना लोगों तक पहुंचेगा, वो लोग अगर पर्सनल रीडिंग नहीं भी लेके आ पा रहे जनरल रीडिंग से सीखेंगे, क्योंकि मेरा रीडिंग सिर्फ कैसे है, क्या रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो नहीं होता है। ऑलवेज एक टीचिंग होता है, जो खुद पर्सनली नहीं दे पाते पर्सनल सेशंस, उन लोगों के लिए भी होता है। कमेंट सेक्शन में प्रे भी कर सकते हो, तो शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर रीडिंग अच्छा लगे दिल खोल के लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबा देना। तो उसमें क्या होता है, आप लोग बोलते हो आपने तो वीडियो देता ही नहीं है, मैं बहुत खराब वीडियो देती हूँ, ये बात से बहुत दिन बाद बात देती हूँ, बिजी इतना रहती हूँ, मगर जब भी आएगा बेल आइकन करने से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कीजिए, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, प्रे कीजिए टिया मैम अभी डेली आए, ठीक है, मेरे अंदर इतना टाइम थोड़ा एडजस्ट कर पाओ और डेली आओ। ठीक है, थैंक यू।